डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ का लेक्चर है। हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ सिंपल जो आप प्रीवियस क्लासेस में प्लस के सवाल सॉल्व कर चुके हैं वही सवाल हैं। एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पार्ट ए में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, वो आपने बुक ही पर पेंसिल यूज़ करते हुए सॉल्व करने हैं। पहला सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखें, 2 में 0 प्लस करें 2, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 का 0, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 8 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 2 9, ये आंसर। इसी तरह आपने ये 12 क्वेश्चंस, देखिए यहाँ तक 12 क्वेश्चंस आपने बुक ही पर सॉल्व करने हैं, लेकिन ध्यान रहे आपने सॉल्व करते हुए सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करना है, बुक पर पेन का इस्तेमाल नहीं करना। अब आप इसके सेकंड पार्ट में देखिए, लिखा हुआ है एड। एड का मतलब भी होता है जमा करना। अगर आप गौर करें तो यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, 1 और एंड के बाद 2। ये भी आपने इनको सिंपल ही प्लस करना है, जिस तरह आपने लिखना है 6 8 0 5 6 3। देखिए, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू के वैल्यू को उसके नीचे लिख दें और उसके लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करें। लिखा हुआ है 1 6 8, लिखें 1 6 8, कॉमा उसके बाद 3 6 5, 3 6 5, और क्या करना है प्लस, या आपने सिंपल इसको इस तरह प्लस करना है 3 प्लस 8 11, 1 कैरी, 6 प्लस 6 12, प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, कॉमा लगा देंगे, 0 में 3 प्लस करेंगे 3, 8 में 6 प्लस करेंगे 14 का 4, 1 यहाँ ऊपर, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12। ये देखिए, ये सॉल्व हो गया। 3 के बाद आप कॉमा लगा दें, वैल्यूज़ के बाद आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ये आपका आंसर हो गया। इसके कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस हैं। आपने ये भी 6 क्वेश्चंस करके लाने हैं होमवर्क के तौर पर, रफ़ कॉपीज़ पर, ठीक है। और ये 12 क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस, ज़्यादा होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल प्लस के सवाल हैं, आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आप इस एक्सरसाइज का सी पार्ट देखिए। देखिए इन्होंने क्या किया है, ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यूज़ में से कुछ वर्ड्स मिसिंग किए हैं, लेकिन आंसर दे दिए हैं। अब आपने इनको फिल्स, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। सवाल भी लिखा हुआ है, फिल द मिसिंग डिजिट्स इन द फॉलोइंग। देखिए, 4 प्लस 2 6 होता है, बिल्कुल सही इसने दिया। अब 2 में आखिर ऐसा हम क्या प्लस करें जो 3 बन जाए, तो 2 में ऐसा क्या प्लस करेंगे 3 बन जाएगा, जी 1 प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 3। अब 2 और नीचे वाला डिजिट मिसिंग है, आंसर क्या दे रहा है 6। 2 में ऐसा क्या हम प्लस करेंगे 6 बन जाए, आपको पता है कि 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 प्लस 3 9, बिल्कुल सही। अब 3 ऊपर वाला डिजिट दिया है, नीचे वाला मिसिंग कर दिया, आंसर 8 बता रहा है। 3 में हम क्या प्लस करेंगे 8 हो जाए, 3 में हम 5 प्लस करते हैं तो 8 हो जाता है, 3 प्लस 5 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 3 4, ये भी आपने बुक ही पर सॉल्व करना है, लेकिन पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए। पार्ट 1 ए पार्ट बुक पर सॉल्व करना है, पार्ट बी रफ कॉपीज पर सॉल्व करना है, और पार्ट सी आपने बुक ही पर सॉल्व करना है लेकिन पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए। आपने स्कूल में आकर चेक करवाना है। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिए। अल्लाह हाफिज़।